हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं घर पे अकेली हूँ, और इवन दो इट्स संडे, मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम सिंपल सा खाना खाऊं। और मैं आज खुद के लिए लंच बनाने वाली हूँ, सो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। पहले भिंडी और आलू की भाजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे भिंडी कट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा कटिंग स्किल एकदम डेंजरस है, तो और फिर भी मैं स्लोली कटिंग कर रही हूँ ताकि अच्छे से, मतलब आपको अच्छे से दिखा पाऊँगी। मैं यहाँ पे पॉलीथीन के ऊपर कट कर रही हूँ, क्यों इसका मतलब रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सो कंटिन्यू विद द वीडियो। तो अभी आपको शायद पता चल गया होगा कि मैं पॉलीथीन के ऊपर क्यों कट कर रही थी। और यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे दोबारा इसका छिलके जो है ना, उसको उठाना नहीं पड़ता है। और फिर यहाँ पे देखो, मैंने भिंडी पहले से धो कर रखी थी और मैंने इसे ऐसे अच्छे से कट किया है आज पहली बार। फिर अब मेरे पास ये पोटैटो है ना, ये मतलब मैंने कट किया था पहले से, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। जैसे कि आपने देखा कि आलू और भिंडी का भाजी बनाने के लिए मेरा सब कुछ कटिंग वटिंग हो गया है, अब हम दाल बनाएंगे। सो लेट्स गो एंड मेक इट। तो दाल बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे अरहर का दाल, और इसमें एक टमाटो मैं डाल दूँगी। और इसको पहले क्विकली धो लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं टाइम के अंदर, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसका ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। मैं कुछ इस तरह से मतलब दाल बनाती हूँ, और मैंने यहाँ पे प्रेशर रखा और इसके अंदर सब कुछ, मतलब थोड़ी सी दाल और क्या बोलते हैं, टमाटो, बस इसमें डाल देती हूँ। और इतना आवाज़ आ रहा है ना, मेरा नेबर जो है ना, उनका बच्चे सब चिल्ला रहे हैं, बस सॉरी फॉर डैट। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, मतलब थोड़ा सा, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ क्या बोलते हैं हल्दी, और फिर अभी डालूँगी थोड़ा सा नमक। बस इतना, इतने से मेरा मतलब दाल हो जाएगा। और मैं इसके बाद मुझे राइस भी बनाना पड़ेगा, तो मैं अकेली खाऊंगी ना, तो मैं इस प्रेशर कुकर में ही बनाऊंगी। तो अब मैं इस प्रेशर कुकर को मतलब कवर कर देती हूँ, और फिर इसका 2-3 सीटी लगा लेने के बाद शायद ये हो जाएगा, होप सो हो जाए। और अभी मैं प्याज कट कर रही हूँ, मतलब जो दाल का क्या बोलते हैं उसको, तड़का या छूंक वगैरह, वट एवर यू से इन योर लोकेलिटी, उसके लिए मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ। और इस प्रोसेस आप ज़्यादा ना देखें तो अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी डिजास्ट्रस है। मुझे लगा था कि ये दाल बन चुका है, पर अब तक ये कुछ भी नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि मुझे फिर से इसको मतलब सीटी लगाना पड़ेगा। और चलो इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे नहीं खा जाएगा, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं खवाऊंगी, तो बेहतर होगा कि मैं इसका और भी 2 सीटी लगा लूं। और 1, 2, 3, और ये देखो कितना अच्छे से दाल बन गया है मेरा। और इसका तड़का लगाते हैं यहाँ पे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे तेल, मिर्चा वगैरह सब कुछ डाल लिया है। और मुझे ये थोड़ा सा मतलब डर लगता है यहाँ पे, और प्याज डाला मैंने, और ये उस सीन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं मतलब ऐसे दूर से फेंक के भाग जाती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया है अच्छे से, और इसमें मैं दाल डालूँगी अब। और ये रहा मेरा दाल, कितने अच्छे से बन गया है। और यहाँ पे मैंने राइस के लिए भी रखा है, और यहाँ पे मैं अभी भाजी बनाऊँगी, और बस बना के।
भिंडी और आलू की भाजी बनकर रेडी है और मैं अभी खाना सर्व कर लूँगी और फिर मैं जाके खा लूँगी इसको। एट द सेम टाइम मेरा राइस भी बन के रेडी हो गया है। सो नाउ माय लंच इज़ रेडी। और आपने पूरा ब्लॉग देखा तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।